आज हम पहली बार लिंगूड़ा तोड़ने आए थे। शुरुआत में पता नहीं था कि कैसे होते हैं लिंगूड़े, फिर धीरे धीरे आइडिया आता गया। दोस्तों यहाँ पर आग जल चुकी है, अब मैं इसको चढ़ा देता हूँ चूल्हे पे। हे गाइस, वेलकम टू हिमालयन ग्लाइडर, दिस इज सोनू। गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। गाइस, आज मैं हूँ उत्तराखंड के जंगल में और आज हम यहाँ पर आए हैं लिंगूड़ा लेने के लिए। लिंगूड़ा एक पहाड़ी सब्जी होती है जो कि फर्न होता है एक, तो उसे हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। काफ़ी यहाँ पर घना जंगल है। गाइस, यहाँ पर रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं, देखिए आप, पूरे रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, पूरे बंद पड़े हुए हैं घास से। आजकल बारिश की वजह से फिसलने वाले रास्ते हुए हैं, तो ऐसे रास्तों पर काफ़ी संभल के चलना पड़ता है और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, परेशान कर रहे हैं। गाइस, हमें जाना आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे रास्ते देखिए पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं और हमें जाना है नीचे वाले नाले में, जिसको कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलते हैं गधेरा। ये गधेरों में ज़्यादातर होते हैं। इस तरफ देखिए आप, काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे, देखिए आप। हमें जाना है नीचे गधेरी की तरफ। गाइस, ये है लिंगूड़ा, देखिए आप, इसे तोड़ रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है ये। आगे की तरफ ढूंढते हैं और मिलेंगे, इस तरफ देखते हैं। गाइस, यहाँ पर भी हमें कुछ लिंगूड़े दिख रहे हैं, देखिए ये हैं, ये देखिए आप, काफ़ी मैच्योर है ये भी और मैं इसे तोड़ रहा हूँ। वाओ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इनको ढूंढने में, देखिए। इस तरफ एक दिख रहा है, देखिए ये रहा, ये देख सकते हैं आप। गाइस, उस तरफ देखिए, वहाँ पे भी दो तीन दिख रहे हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी यहाँ पे बंद है और बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है मुझे, दिक्कत हो रही है यहाँ पे जाने में। ये देखिए रास्ते कैसे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं फंस गया हूँ कार्टून से पीछे। एक ये निकला, ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से तोड़ते हैं इसको। दो और ये छोटे छोटे हैं, थोड़ा इसको भी तोड़ लेते हैं। तीन हो गए, एक और आ गया, चार। गाइस, यहाँ पर बिच्छू घास और कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है इस रास्ते में। दोस्तों, मेरे साथ हैं मोहित और मनीष, जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। मोहित, कुछ मिला बताओ? नहीं, अभी तो नहीं मिला, ये भी सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे भी देखिए आप, कुछ पौधे यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हैं, देखिए काफी बड़े बड़े हैं। और मोहित यहाँ पे रास्ता बना रहा है। बिच्छू घास काफी ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। दो तीन और मिल गए हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आज सुबह से इतने लिंगूड़े तोड़ लिए हैं। अभी हम इनको घर लेके जाएंगे और सब्जी बनाएंगे। आज हम पहली बार लिंगूड़ा तोड़ने आए थे। शुरुआत में पता नहीं था कि कैसे होते हैं लिंगूड़े, फिर धीरे धीरे आइडिया आता गया और फाइनली हमने काफ़ी मेहनत के बाद इतने लिंगूड़े तोड़ लिए हैं। काफ़ी सुकून मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी पसीना पसीना भी हो गया है, क्योंकि गधेरे में नीचे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे घुटन सी हो रही थी। और बिच्छू घास काफ़ी ज़्यादा लगी है हाथ पाँव में, इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा कांटे भी चुभे हैं कहीं कहीं पर, तो मुश्किल भरा सफ़र था ये।
लंगूड़े तोड़ने का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमारा, पहला एक्सपीरियंस है। गाइज हम वापस जा रहे हैं अभी घर की तरफ। गाइज फाइनली मैं ले आया हूँ लिंगुड़े घर पे, और अब ये सब्जी बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं इनको, इनके जो स्टेम्स हैं, इनको ये छिकल निकालने पड़ते हैं। इसके देखिए, इसमें पतली सी एक लेयर सी लगी होती है, इसको निकालिए वरना ये हल्का सा इसमें कड़वापन हो जाएगा अगर नहीं निकालेंगे तो। तो इसको मैं पहले हटा रहा हूँ, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप। ये देखिए, आप ये वाला हिस्सा आपको हटाना है, और उसके बाद ये इनको काटा जाएगा। तो फटाफट मैं इनको हटा लेता हूँ, उसके बाद इनकी कटिंग होगी। देख सकते हैं आप, ये इस टाइप की लेयर होती है इसमें पतली सी, इसको हटाना ज़रूरी है। दोस्तों लिंगड़े के बाहर के छिक्कल अच्छे तरीके से मैंने रिमूव कर दिए हैं, अब इनको धोया जाएगा, उसके बाद इनकी कटिंग कर दें। इनको एक साथ बंडल बना लिया मैंने ताकि ये जल्दी से कट जाएं। देखिए, इनको ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम मीडियम काटिए। उसके बाद इनको थोड़ा सा उबाला जाएगा हाफ बॉइल। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा नमक ताकि इसके अंदर नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों मैं जला रहा हूँ आग, ये है चीड़ के पत्ते जिसको पिरूल बोला जाता है, उसके थ्रू आग जला रहा हूँ। इसमें काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, देखिए आप। इसके बाद इसमें लकड़ी लगा के आग बहुत जल्दी से पकड़ती है, देखिए। दोस्तों यहाँ पे आग जल चुकी है, अब मैं इसको चढ़ा देता हूँ चूल्हे पे। गाइस लिंगड़े की सब्जी के लिए यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर रहा हूँ। ये है धनिया, और ये है जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, और इसमें है लहसुन। मसाले यहाँ पे लगभग तैयार हो चुके हैं, देखिए। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंगुड़े उबाल लिए गए हैं, अब इनको मसाले में फ्राई किया जाएगा। मसाले भी तैयार हैं यहाँ पे, देखिए, सिलबट्टे में पीसे हुए मसाले। ये है टमाटर और प्याज। कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ मैं अभी, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा ज़्यादा तेल डालेंगे हम। तेल को गर्म होने देंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ जीरा, ये है खड़े मसाले। अब इसमें डाला जाएगा प्याज, प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। गाइस यहाँ पे प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाले डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक।
अब इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर। गाइस यहाँ पर टमाटर लगभग गल चुके हैं। गाइस यहाँ पर मसाला तैयार है लगभग, देखिए टमाटर भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ लिमोड़े। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले, थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से पूरे लिमोड़े में मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी लगभग तैयार है पक के। गाइस यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट हल्का मशरूम की तरह है और काफी टेस्टी सब्जी बनी है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।